हाँ जी स्टूडेंट्स, आज असी नवा चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं डायनामिक्स का, चैप्टर नंबर थर्ड। ये चैप्टर नंबर थर्ड आ, चैप्टर थर्ड। इस तो पहला मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ते सेकंड करवा चुके हैं, जो अपनी क्लास में जो मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया। इस तो बाद असी किया सी चैप्टर नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ, वो तुसी बड़ी चंगी तरह कर चुके हैं सारे। अज असी शुरू कर जा रहे हैं डायनामिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये पार्ट फर्स्ट होएगा, ओवरऑल लैक्चर 12। ये असी अज डिस्कस करते हैं, बहुत ही वधिया चैप्टर आ, जो भी रिजल्ट यूज होने हैं वो असी अज डिस्कस करांगे। सब तो पहला असी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करांगे अज। फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ऑफ मोशन इन असं समझांगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ की है, वो असी डिस्कस करते हैं अज। एवरी बॉडी, बहुत समझने वाली चीज़ आ, एवरी बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलैस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये फर्स्ट लॉ कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट में आ तो वह रेस्ट में ही रहेगी जिन्ना चिर असं उत्ते कोई फोर्स नहीं लावांगे। जिदा ये एक डस्टर आ, ये रेस्ट में आ इस टाइम पर, ये उन्ना चिर रेस्ट च रहेगा जिन्ना चिर कोई एक्सटरनल फोर्स नहीं लाई जाएगी। एक्सटरनल फोर्स लाने तो बाद अगे मूव करेगा। इन द सेम वे जे कोई बॉडी मोशन च आ तो उन्हें मोशन च ही रहना जिन्ना चिर असी उत्ते कोई एक्सटरनल फोर्स नहीं लाते उन्हें रोकन दे लई। जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकती है ड्यू टू फ्रिक्शन, वो रेस्ट में आ रही है बॉडी। सो ये सानू पता ही है कि कोई भी बॉडी आ उन्हें जां तां जे रेस्ट में आ तां रेस्ट च रहेगी, जे मोशन च आ तां मोशन च रहेगी। उस तो बाद असी डिस्कस करांगे न्यूटन्स सैकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सैकेंड लॉ ऑफ मोशन ये की है, थोड़ा शॉर्ट ही असी डिस्कस करांगे रेट ऑफ, क्योंकि असी फिजिक्स नहीं पढ़ते पे, असी मैथमेटिक्स पढ़ते पे हाँ। जो जो सानू जरूरत आ, जो साड़ी एक्सरसाइज सम सॉल्व करने के लिए असी यूज़ करना, वो सारा कुछ असी डिस्कस करांगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्सेस। फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्टिंग एक्चुअल स्ट्रेट लाइन च मूव करता। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन एट विच फोर्सेस एक्ट। जिस डायरेक्शन दे विच फोर्स एक्ट कर रही हैं, इन द सेम डायरेक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पर मोमेंटम की है,
मूमेंटम, जो मूमेंटम असी देखिए वो होंदा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो इतने क्या की है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ का की मीनिंग आ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी बाय डी टी, तो ये भी क्या प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल कह दे फोर्स दे, फोर्स नू जे मैं डिनोट करा पी दे नाल, सो फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मूमेंटम। तो इतों मेरे को रिजल्ट की मिलना, मैं थोड़ा शॉर्ट जावा क्योंकि इदा साड़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। सो साढ़े को इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी मास इंटू एक्सलरेशन, जो असं बहुत यूज़ करते हैं पहला भी, जो असं पहला भी यूज़ करते हैं, तो वह साढ़े को आ जानी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ तुम्हें पता ही आ, ये कॉन्सटेंट आ जाना बाहर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सलरेशन। सो फोर्स मास इंटू एक्सलरेशन साडा असी इक्वेशन ऑफ मोशन पहला भी असी यूज़ करते हैं। उस तो बाद जी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये है जी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बहुत सारिया साढ़े को एग्जाम्पल्स आ, कोई असी एक्शन करते हैं तो वह रिएक्शन होना ही होना, जिदा असी एक बॉल, एक बॉल नू असी थ्रो करते हैं दीवार पर मारते हैं तो बैक आ जाएगी साढ़े वाल, असी एक्शन किया तो साडा दीवार ने किया रिएक्ट करके, रिएक्शन करके बॉल साढ़े वाल आ रही है विद सेम वेलोसिटी, जिनी वेलोसिटी ना असी एक्ट किया जो रिएक्शन होया वो भी सेम वेलोसिटी दे नाल साढ़े कोल वो बॉल आ जाती है। इन द सेम वे बोट चलती है, असी पानी नू पिछे नू धक रहे हैं तो जिहड़ा पानी है सानू सेम फोर्स दे नाल सानू अगे नू मूव करांदा। इन द सेम वे असी अगे जो चलते हैं, असी अपने जो असी जमीन नू पिछे नू पुश करते हैं तो जमीन की करती सानू अगे नू धक रही है। ये कुछ एग्जाम्पल्स असी कह सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दियां। हुण जो असी साडा मेन वर्क आ वो आपां समझिए, ये सी डेफिनेशनस न्यूटन्स थ्री लॉज सी साडे कोल। हुण एक जो तुसी कल नोट करनी है यूनिट की है, असी यूनिट डिस्कस करांगे यूनिट्स। जिदा कि असी ये देख चुके हैं कि फोर्स मैं पी ना भी डिनोट कर सकता, मैं एफ ना भी कर सकता, वो तुहाडी अपनी चॉइस है, मास इनटू एक्सलरेशन। तो फोर्स के यूनिट की होणगे वो असी डिस्कस करांगे। सब तो पहला असी सी जी एस सिस्टम देखांगे, सी जी एस सिस्टम। सी जी एस सिस्टम दे विच जे मैं मास, मास मैं लवां ग्रामां च, मास मैं की लवां ग्रामां च लवां, ठीक है जी, वन ग्राम ले लिया सपोज करो। मैं जिहड़ी एक्सलरेशन आ जे मैं ले लवां सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर ले लवां, तो फिर मेरी फोर्स की होएगी, मैनू फोर्स मिलेगी वन ग्राम सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर, जां असीं की कह सकते हैं इनू वन डाइम, ठीक है, ये फोर्स होगी डाइम। यदा मीनिंग यह होया सी जी एस सिस्टम के जो साडा यूनिट आ वो आ डाइम, वन ग्राम सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर नूं असी कहने डाइम। मास जे किलो सॉरी ग्राम च होवे, साडी जिहड़ी एक्सलरेशन आ वो सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर च होवे, दैन फोर्स किहदे च होएगी, मास इंटू एक्सलरेशन वन ग्राम सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर च। हाँ जी, इदां ही जे असी एम के एस सिस्टम लईए उहदे च की होना, जे मास नूं असी लैने आ किलोग्रामां च, वन के जी लै लीए किलोग्रामां च लै लीए, जिहड़ी एक्सलरेशन आ जे असी उह लै लीए मीटर पर सैकेंड स्केयर च,
तो फिर फोर्स की होएगी मास इनटू एक्सेलरेशन, सो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, इनों से की कहेंगे न्यूटन, 1 newton। सो सीजीएस सिस्टम दे विच जिहड़ा फोर्स आ उहदा यूनिट डाइन, इन एमकेएस सिस्टम दे विच इहदा जिहड़ा यूनिट आ उह असीं कहेंगे न्यूटन। एमकेएस सिस्टम च इहदा यूनिट की हो गया न्यूटन। फरदर हुण जो समझण वाली एक होर चीज़ आ, एक मैं नोट लिख देना, फोर्स ऑलवेज टेकन इन आइदर इन डाइन और इन न्यूटन, ये जरूरी है। फोर्स जां तां इस यूनिट विच होएगी डाइन च जां होएगी न्यूटन दे विच, ये नोट तुसीं हमेशा याद रखना। दूसरी गल, जे वो न्यूटन जां डाइन च नहीं हैगी तां असीं इहनूं किवें चेंज करना। सपोज करो फोर्स दित्ती हुई आ kg विच, 1 kg वेट इदां गिवन आ, उहनूं असीं न्यूटन च किवें चेंज करना। जी 1 kg वेट, जे 1 kg वेट आ, फोर्स 1 kg वेट आ, तां उहनूं असीं जी न्यूटन कहण दा मीनिंग आ 9.8 न्यूटन। इदां जे तुहाडे कोल 1 gram वेट आ, 1 gram वेट, जे फोर्स कई वारी ग्राम वेट च होंदी, ग्राम च होंदी आ, तां फिर असीं की लिखांगे, जी डाइन जां 981 डाइन, जी ग्रैविटी, जी है साढ़े कोल ग्रैविटी। सो ये एक रिलेशन है जो तुसी याद रखना, 1 kg वेट 9.8 न्यूटन दे इक्वल हुंदा, एदा ही 1 gram वेट 981 डाइन दे इक्वल हुंदा, ये तुसी याद रखोगे। फरदर ये सी साढ़े यूनिट, इन्हां नूं तुसी हुण याद रखना, ये बहुत यूजफुल है। हुण असी चलांगे नैक्सट। असीं जिहदा सैकंड चैप्टर कर चुके हैं उहदे च कुछ असीं रिजल्ट पढ़े, क्योंकि हुण साढ़े कोल फार्मूला फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। हुण कई बार ये हुंदा कि एक्सेलरेशन जिस तरह असीं सैकंड चैप्टर च कीता, एक्सेलरेशन सानूं फाइंड करनी पै सकदी आ। उहदे लई मैं तुहानूं याद करवा देवां, मेरे कोल 3 रिजल्ट सी। पहला रिजल्ट सी SUT प्लस हाफ FT स्क्वेयर, ये रिजल्ट यूज़ करना पै सकदा। सैकेंड रिजल्ट सी मेरे कोल V=U+FT। मेरे कोल थर्ड रिजल्ट सी V²U²+2FS, वेयर कुछ मैं टर्मां यूज़ कीतियां इत्थे, जू दा मीनिंग आ इनिशियल वेलोसिटी, वी दा मीनिंग आ इत्थे फाइनल वेलोसिटी। एक इत्थे असीं यूज़ करदे पए आ एस। सपोज़ करो मैं इस ए पॉइंट तो बी पॉइंट ते जाना, इत्थे जिहड़ी मेरी होएगी वो इनिशियल वेलोसिटी होएगी, बी ते जाके हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। इस डिस्टेंस नूं असीं एस कहांगे, ए तो बी ते जो टाइम लग्या जाण नूं उहनूं असीं कहांगे टी, उहनूं की असीं कहांगे टी। एस है साडे कोल डिसप्लेसमेंट जां डिस्टेंस कह लो, ते टाइम टी आ मेरे कोल टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए आ मेरे कोल टाइम। हुण डिपेंड करदा क्वेश्चन च, जे जू तो वी एबसेंट की आ, इहदे च तुसीं देखोगे वी एबसेंट आ, इहदे च वी एबसेंट आ, ते जे वी एबसेंट होएगा फिर ए वाला आपां रिजल्ट लगावांगे। इहदे विच इन्हां चारां चों एबसेंट आ एस, इत्थे एस एबसेंट आ इस पार्ट विच, इस फार्मूले च एस एबसेंट। तीसरा जो रिजल्ट आ इहदे विच टी एबसेंट आ, तो असीं ये देखे करना कि जिहड़ा एबसेंट आ, जे टी एबसेंट आ तो फिर ए रिजल्ट चूज़ कर लो, जे एस एबसेंट आ तो ये चूज़ कर लो, जे वी एबसेंट आ तो फिर ए असीं रिजल्ट चूज़ करांगे। एफ एक्सेलरेशन आ, वो असीं
फाइंड करनी है। इन तीन कोई भी फार्मूला यूज़ करके असी इस चैप्टर दे विच एफ असी कैलकुलेट करे करांगे। हुण असी एक्सरसाइज वल चलते हैं। सब तो पहला असी इहदा फस्ट क्वेश्चन करांगे। मैं स्टेटमेंट लिखदा तो असी अज थ्री ई एक्सरसाइज करन जा रहे हैं। चलो करिए। हाँ जी, असी फस्ट क्वेश्चन करन जा रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ लीए इहदी। ए कॉन्सटेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मास ऑफ 5 kg, मास 5 kg गिवन आ, मास गिवन आ 5 kg। एक कॉन्सटेंट फोर्स है जिहड़ी असी फाइंड करनी आ। ड्रैग्स 10 meters इन 3 seconds, कहिंदे 3 seconds ना वो 10 meters लै जांदी अगे। कहने का मीनिंग यह होया कि इत्थे एक डिस्टेंस दिता होया वो किन्ना 10 meters। एक टाइम की गल की आ, टाइम किन्ना मेरे को 3 seconds, ये गिवन है। तो असी फोर्स फाइंड करनी है, तो मैं एक बार रिमाइंड करा दा, फोर्स जे फाइंड करनी है तो वह फार्मूला मास इनटू एक्सलरेशन। फोर्स फाइंड करनी है तो फार्मूला की है, मास इनटू एक्सलरेशन। मेरे को मास तो है, किन्ना मास है मेरे को 5 kg। की मेरे को एक्सलरेशन है? बिल्कुल नहीं है। वो असी करांगे फाइंड, वो हुण असी करनी आ फाइंड। एक चीज़ हो रहा, एक कॉन्सटेंट फोर्स लगी किसी पार्टीकल ते, वो स्टार्टिंग वेच की होएगा, पार्टीकल होएगा रेस्ट वेच। हुण पहला कोई बॉडी रेस्ट वेच पई आ, उते असी फोर्स लगानी शुरू की, तो फिर ही अगे मूव करना उन्हें। एक कॉन्सटेंट फोर्स लगाई किसी मास के उपर, पहला वो मास रेस्ट वेच सी, फिर असी उन्हें अगे खिंचना। इस करके पहला वो बॉडी रेस्ट विच होएगी, इस करके असी इनिशियल वेलोसिटी लई 0। फाइनल वेलोसिटी बारे सानू पता ही नहीं कुछ, इस करके साढ़े को जू 0 आ, इतने एबसेंट आ वी, इतने वी है नहीं। जे वी एबसेंट आ तो फार्मूला असी केड़ा यूज़ करना? फार्मूला असी यूज़ करना एस जू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर। एस मैनू गिवन आ विच इज़ 10, जू मैनू गिवन आ 0, हाफ एफ टी मेरे कोल हैगा 3 का स्क्वेयर हो गया 9। सो मैनू एफ मिल गया, ये हो गया 20। सो एफ आ गया 20/9 मीटर पर सैकेंड स्केयर। हुण मीटर पर सैकेंड स्केयर क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मीटर से, डिस्टेंस मीटर से, टाइम सैकेंड से। सो मीटर पर सैकेंड स्केयर, ये मिल गई मैनू एक्सलरेशन। हुण मैं फोर्स फाइंड करनी है। मास किन्ना मेरे को? मास है मेरे को 5, मास आ 5 kg विच आ। एफ दी वैल्यू मेरे को आ गई 20/9 मीटर। हाँ जी, की यूनिट आए? मास के सी kg विच, ये केद सी, यदा यूनिट की आ? मीटर पर सैकेंड स्केयर, मीटर पर सैकेंड स्केयर। इनू असी की कहने न्यूटन। सो 100/9 न्यूटन मेरा की आ गया आंसर। 100/9 मेरा की आ गया आंसर, यही मेरा आंसर है। हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन। उम्मीद करदा कि समझ आ चुकी होएगी, उम्मीद करदा कि समझ आ चुकी होएगी। हाँ जी, असी सैकेंड क्वेश्चन करन जा रहे हैं। हुण ए बॉडी ऑफ मास 25 grams, चलो मास पता चल गया वो आपां लिख लीए। मास आ 25 grams, समॉल यूनिट गिवन आ, CGS सिस्टम वाले यूनिट गिवन आ। इज एक्टड अपॉन बाय अ फोर्स, अच्छा ये पहले ना रेस्ट विच पई है, उन्होंने कहा भी ये नाम क्या होंगे तो असं कह ही देना सी रेस्ट विच। ये 25 kg मास रेस्ट विच पिया, इतने कोई फोर्स लगा के उन्होंने अगे मूव करना, इसका जहा कंसैप्ट आ। इट अक्वायर्स अ वेलोसिटी 2 cm पर सैकेंड इन 5 seconds। देखो की क्या ये, कहते जू 0 वा फ्रॉम रेस्ट, जू 0 आ। 5 seconds दे विच वेलोसिटी एक्वायर किन्नी हो जाती है? 2 हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी भी गिवन आ सेंटीमीटर पर सैकेंड। टाइम किन्ना लग्या? 2 5 seconds, 5 seconds, इदा उन्होंने कहा। बिल्कुल इदा सी, पहला पार्टीकल इत्थे रेस्ट विच सी जू 0, 5 seconds इत्थे मूव करके असी उन्हों लै गए अगे। इतने वेलोसिटी भी गिवन आ, वेलोसिटी सी 2 cm पर सैकेंड। टाइम किन्ना लग्या? 5 seconds, ये सारा कुछ गिवन आ।
तो फाइंड की करनी है, फोर्स फाइंड करनी है, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट। जे फोर्स फाइंड करनी है तो सानू एक्सलरेशन चाहिए है, ऑलवेज फोर्स फाइंड करनी है तो की चाहिए, एक्सलरेशन चाहिए है, मास का गिवन है, सो असी एक्सलरेशन फाइंड करांगे। ये तीन चीज़ा गिवन आ, तीन ही चाहिए होंगे। एबसेंट कौन आ? एस एबसेंट आ, एस एबसेंट आता की यूज़ करोगे? असी आर रिजल्ट यूज़ करांगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, क्योंकि एस एबसेंट आते फार्मूला लगना। वी की वैल्यू आ मेरे को टू, जू मेरे को जीरो आ, एफ कैलकुलेट करना, तो टी की वैल्यू मेरे को फाइव, सो एफ मैनू मिल गया टू अपॉन फाइव। वेलोसिटी सी सेंटीमीटर पर सैकेंड के, टाइम सैकेंड से, तो की हो गया ये हो गया सेंटीमीटर पर सैकेंड स्क्वेयर, एक्सलरेशन आ चुकी मेरे को। सो फोर्स किनी होएगी? मास है मेरे को 25 ग्राम च, एफ है मेरे को 2/5 आ, तो हो गया साढ़े को ग्राम सेंटीमीटर पर सैकेंड स्क्वेयर। सो कैंसल कैंसल करने बाद ये मेरे को आ गया 10 dm, ये मेरा की आ आंसर है, ये मेरा की आ आंसर है। हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, हुण असी करन जा रहे हैं ये थर्ड क्वेश्चन। ए फोर्स ऑफ 1 kg एक्ट्स ऑन बॉडी कॉन्टीन्यूसली फॉर 10 seconds एंड डिस्क्राइब 10 meters इन दैट टाइम, फाइंड मास। हुण इत्थे मास असी कैलकुलेट करना, मास असी फाइंड करना। सोल्यूशन की गिवन आ? इत्थे फोर्स गिवन आ, फोर्स गिवन आ विच इज़ 1 kg। तुम याद होना एक नोट लिखाया सी कि फोर्स इज़ ऑलवेज टेकन इन आइदर इन डाइन और इन न्यूटन, क्योंकि साढ़े जोड़े यूनिट आ सारे वो व्डे वाले यूनिट दिखाई दे रहे, कहता मीनिंग है MKS वाले यूनिट दिखाई दे रहे हैं, तो असं इनू की लिखांगे? जी न्यूटन। असी इनू कन्वर्ट कर लिया न्यूटन च, जी ना मल्टीप्लाई करो तो हो गया न्यूटन, जां असी की कह दांगे 9.8 newton। न्यूटन असी आंदे नाल भी डिनोट कर लैंदे आ, 9.8 जी दी वैल्यू 9.8। फोर्स इज़ ऑलवेज टेकन इन न्यूटन। उस तों बाद कहिंदे कि जिहड़ी बॉडी आ ना वो 10 seconds चलती रहिंदी आ। देखो जू तो जीरो होएगा स्टार्टिंग में, कोई भी बॉडी पहला रेस्ट में ही होनी है, जू तो होना जीरो। टाइम दिता होया 10 seconds, टाइम दिता होया 10 seconds, डिस्टेंस भी दिता होया 10 seconds, 10 meters सॉरी, डिस्टेंस भी दिता होया 10 meters। डिस्टेंस इन्ना मूव किया, किन्ने टाइम मूव किया, लगातार किन्ना चिर चलती रही वो बॉडी? 10 seconds चलती रही। हुण इन्हां चों देखो कि असी एक्सलरेशन फाइंड करांगे, कौन एबसेंट आ? तुसी कहोगे सर वी एबसेंट आ, तो मैं कहूँगा फिर यूज़ करांगे एस जू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर यूज़ कर लो। एस है मेरे को 10, जू मेरे को 0, हाफ एफ वी हैव टू कैलकुलेट, ये हो गया 10 square। सो ये आ गया एफ 10 × 2/10 × 10, सो 10 हो गए कैंसल, सो एफ मैनू मिल गया 1/5 m/s², ये आ गया। हुण असी यूज़ करांगे रिजल्ट, फोर्स मास इंटू एक्सलरेशन। अगेन फोर्स मेरे को जी न्यूटन, कहिंदा मीनिंग आ 9.8 गिवन आ। मास मेरे को मास मैं फाइंड करना, फाइंड मास एम दी वैल्यू असी कैलकुलेट करनी। एफ मेरे को 1/5, एफ मेरे को 1/5, सो एम दी वैल्यू आ गई 9.8 × 5। इनू हुण तुसी मल्टीप्लाई कर लेना, वो तुहाडा जिहड़ा मास आ वो के जी विच आ जाना है, इनू तुसी मल्टीप्लाई कर लेना, वो तुहाडा की आ जाना आंसर आ जाना, वो साडा की आ जाना आंसर आ जाना विच इज़ 49 kg। सो उस बॉडी का जिहड़ा वेट आ वह आ गया 49 kg। हुण असी करांगे इस तो नैक्सट क्वेश्चन। चलो अज के लिए इन्ने क्वेश्चन ही बहुत आ, अज के लिए इन्ने क्वेश्चन ही काफ़ी आ। इस तो बाद जे तुहानू
ये वीडियो ठीक लगन तो ना वीडियोज़ में लाइक करते रहो तो मैं नैक्सट क्वेश्चन अगे तो करा रहा थानू ठीक है जी ओके।